नमस्कार जी सभी को, मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस टाइम दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो सभी खाना पीना सभी का हो चुका है और इसके बाद फिर थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद फिर केक कटिंग होगा, क्योंकि जो ननंद दीदी हैं वो केक लेकर आए हैं। और केक किस खुशी में लेकर आए हैं ये भी आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि जैसे मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है तो इसी खुशी में लेकर आए हैं। वैसे इतना बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन फिर भी होती है ना खुशियाँ, जैसे छोटी छोटी खुशियाँ ही हैं जो ज़िंदगी में याद रहती हैं जी। तो वो लेकर आए हैं, उन्होंने इस काबिल समझा हमें, तो इसके लिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी इस काबिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन चलो फिर भी खुशी का बहाना ही चाहिए जी। केक कटिंग कर लेंगे जी। वैसे मैंने ज़िंदगी में कभी केक नहीं काटा है, ना ही मैंने कभी अपना जन्मदिन मनाया है, तो चलो फर्स्ट टाइम ये भी अपना ये भी काम कर लेते हैं केक कटिंग का। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं और अब मैं यहाँ पे अपनी जो रसोई है उसे भी साफ़ कर लूँगी, स्लेप वगैरह जो भी है साथ के साथ ही सारा साफ़ हो जाएगा। और तब तक देवरानी और देवरानी के बच्चे भी आ गए हैं, क्योंकि उन्हें भी फ़ोन कर दिया था हमने। तो ये देखिए यहाँ पे सभी मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, और यहाँ पे जो मेरी भांजी है वो केक लेकर आई है, क्योंकि आते ही फ्रिज में रख दिया था केक और पहले लाइट भी नहीं थी। तो जी यहाँ पे मैं करूँगी केक कटिंग। तो ये देखिए जी केक, कभी मैंने जन्मदिन नहीं मनाया है, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे पता भी नहीं है अपना जो जन्मदिन की जो तारीख होती है ना फिक्स, वो मुझे नहीं पता है। और पहले होता भी था ऐसे ही गांव में, देखो जी कौन इतना ध्यान रखता था। शायद हमारे साथ ही हुआ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ ही हुआ होगा कि क्योंकि मेरी मम्मी भी अनपढ़ है, मेरी अम्मा जो हैं तो उन्होंने याद नहीं रखा, किसी और ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो चलो कोई बात नहीं, तो आज हमारा जन्मदिन भी लगा लीजिए आप, और जो चैनल मोनेटाइज हुआ है उसकी खुशी में भी केक लगा लीजिए कि केक कटिंग कर रहे हैं, वो भी दीदी की बदौलत, क्योंकि दीदी ने एकदम से लेकर आ गए थे तो खुशी भी हुई। देखो और होता ही है, खुशी भी हुई और थोड़ी शर्म भी महसूस हुई, क्योंकि अभी इतना बड़ा चैनल तो कहाँ हुआ है कि हम केक काट सकें। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पूरा परिवार एक साथ है, अच्छा भी लगता है परिवार के साथ हम छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं वो मनाते हैं, क्योंकि लाइफ में यही खुशियाँ याद रहती हैं, छोटे छोटे जो पल होते हैं। तो कोई बात नहीं जी, तो यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है और मैं मम्मी को बोल रही थी, लेकिन मम्मी अकेले नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं और मम्मी दोनों ही काट रहे हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने भी पहली बार ही केक काटा होगा और मैंने भी, तो हम दोनों ने यहाँ पे अपना अपना जन्मदिन भी मना लिया है और चैनल मोनेटाइज की जो खुशी है वो भी मना ली है जी। तो यहाँ पे ननंद दीदी जो हैं वो हमें केक खिला रहे हैं, सभी ने एक दूसरे को केक खिलाया है, तो हंस भी रहे थे क्योंकि मुझे खुद भी शर्म भी आ रही थी और हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ऐसा काम नहीं किया है। और तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी YouTube की तरफ से ही मुझे मिला है, क्योंकि होता ये देखो चैनल मोनेटाइज हुआ है, इसी के चक्कर में ही ये केक भी आ गया, नहीं तो जन्मदिन तो कितने साल चले गए हैं, कितने साल बीत गए हैं, तो आज तक ना ही कभी किसी ने केक, तो छोड़िए कभी किसी ने एक टॉफ़ी भी नहीं दी है सच बोलूँ तो मुझे मेरे जन्मदिन पे। तो ये भी एक मेरे लिए अच्छा ही है जी, जन्मदिन भी मना लिया। और ये देखिए भांजे ने मेरा पूरा फेस, मेरे बेटे ने और मेरे भांजे ने मेरे मुंह के ऊपर लेप दिया है, तो शायद बर्थडे पे ऐसा ही होता होगा जी, क्योंकि बच्चे करते हैं ना, तो मुझे भी आज बच्चा ही बना दिया है इन्होंने, तो मेरा जन्मदिन खूब अच्छे से मना लिया है। और यहाँ पे देवरानी को भी खिला देते हैं, देवरानी ने मुझे खिला दिया है, और यहाँ पे हमारे आंटी जी बैठे हुए हैं और पापा जी को भी खिला दिया है, तो सभी को बारी बारी से खिला रहे हैं, सभी की वीडियो भी बना रहे हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जब अब हमने केक काट ही दिया है, जब केक लेकर आए हैं तो थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो यहाँ पे आंटी जी को भी मैं खिला रही हूँ, मम्मी और आंटी दोनों बैठे हुए हैं, और अब पापा जी को भी खिला देते हैं जी। तो यहाँ पे पापा जी को भी खिला दिया है, तो सभी खा चुके हैं केक, और मेरे जन्मदिन का लगा लीजिए, चैनल मोनेटाइज का लगा लीजिए, तो आप लोग भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ भी है, परिवार का साथ भी है, सो सभी का साथ है जी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं हमारे नंदोई, हमारे भैया, तो यहाँ पे
हंसी मजाक मौज मस्ती सभी कुछ चल रहा है और साथ के साथ केक भी खा रहे हैं, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, सभी अपने काम में लगे हुए हैं। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था जी। देखो, क्योंकि चैनल मोनेटाइज का तो बहाना है, ये पल जो मुश्किल से मिलते हैं, देखो, क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी ना ही जन्मदिन मनाया है, ना ही कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसी खुशी आई है कि मैंने केक वगैरह कट किया है। हाँ, जब बच्चे छोटे थे तो बच्चों के जन्मदिन पर एक दो बार ही किया होगा, केक भी एक दो बार ही काटा होगा, क्योंकि गांव में इतना नहीं होता है जी, सब कुछ जो खर्चे होते, वैसे तो देखो इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो अपना नॉर्मल सा ही जो बच्चों के जन्मदिन होते हैं, कथा वगैरह करवा ली, बस यही सब होता है, ज़्यादा नहीं होता। जैसे देखते हैं ना हम लोग बर्थडे पर क्या क्या करते हैं, तो वो हमारे साथ नहीं होता जी। तब आप गांव के हिसाब से लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, अपनी जेब के हिसाब से भी लगा लीजिए जी, तो हमारे फालतू खर्चे नहीं होते हैं, तो थोड़ी जो हमारे खर्चे हैं ना वो सीमित के ही होते हैं। तो जी, यहाँ पे थोड़ी सी हम वीडियो भी बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे डालने के लिए, थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, और साथ ही यहाँ पे मौज मस्ती भी चल रही है, हंसी मजाक भी चल रहा है। और तो कैसी लगी आपको वीडियो जी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमें आगे बढ़ने में और मदद मिले, और जो जो भी मेरी खुशियों में शामिल हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इतनी बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जिस तरह से ये केक वगैरह कट हुआ है और दीदी नंद दीदी इनकी पूरी फैमिली आई है, तो कहीं ना कहीं ये YouTube की तरफ से ही मुझे आज इतना बड़ा सरप्राइज मिला है। और यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे हैं और मुझे ज़बरदस्ती ना केक खिलाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि होता ही है देखो। और मेरा छोटे वाला बेटा तो ना इंडियन ब्लॉगर बन चुके हैं, मम्मा इंडियन ब्लॉगर। तो जी, दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो केक लेकर आए, और इन्होंने इतनी क्या बोलते हैं इतनी जल्दी इन्होंने हमारी खुशी में दी जो हमारी खुशी में शामिल हुए और स्पेशल केक लेकर आए थे, तो हमने केक काट दिया जी। वैसे अभी इस लायक तो नहीं बने हैं, लेकिन चलो बने नहीं है तो बनेंगे जी, अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखें। और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है, ये देखिए जी हमारी पूरी फैमिली, पापा जी, ये मेरी पूरी फैमिली, मम्मी पूरा परिवार बैठा है, और यहाँ पे हमारी देवरानी जी भी हैं, मेरी छोटी बहन, खड़ी हो, ये है मेरी देवरानी, हमारा सबसे छोटा मेंबर। तो जी बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी खुशी से मनाया इन्होंने। वैसे इस लायक नहीं हुए हैं, लेकिन माता रानी की कृपा ही तो इससे आगे भी जाएंगे जी, बुजुर्गों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ चाहिए। तो जी 3:30 का टाइम हो रहा है, और हम यहीं पे ही बैठे हुए हैं तब से, और अब दीदी के जाने का समय हो गया है, क्योंकि इन्होंने जाना है ससुराल, और फिर सफ़र भी काफ़ी लंबा है। अच्छा भी लगा आज का दिन जो मेरी ज़िंदगी में था, वो आप लोगों की वजह से ही आया है, क्योंकि जब से मैं YouTube पे आई हूँ, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी YouTube फैमिली जो बनी है, तो उन्हीं की वजह से ये पल आया है मेरी लाइफ में। और केक वगैरह काटने की वैसे मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी दीदी लेकर आए, इसके लिए दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप लोगों का साथ और प्यार इतना जो मिला है, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा जी। तो फिर अपना प्यार और साथ यूँ ही बनाए रखें। और यहाँ पे दीदी भी जा रहे हैं अपने ससुराल, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है इनका, और ये दिन में ही आए थे, बच्चों के ट्यूशन पढ़ाई वगैरह स्कूल हैं, तो इसलिए नहीं आया जाता। तो फिर भी दीदी का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।